बिजनौर के धामपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जप तप संगठन से जुड़े दर्जनों जमाकर्ताओं ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जमाकर्ताओं की डूबी हुई रकम को वापस दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को एसडीएम कार्यालय धामपुर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मोहित कुमार की गैर मौजूदगी में उनके लिपिक को सौंपा और अविलंब कानून की गुणवत्ता सुनिश्चित करवाते हुए जमा राशि से 2 से 3 गुना भुगतान कराने और ठग बेईमानों को मृत्युदंड देने का कानून बनाने की मांग की। नवभारत समाचार उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। नाम है आपका? दयापाल सिंह। दयापाल जी, आज धामपुर उप जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है, जो हमारे कंपनी के पल्स वगैरह के जो कर्म भूमि के चिटफंड कंपनी है तब जब संगठन के द्वारा जो आज पूरे भारत में एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि वर्ष एक्ट 2019 के तहत 4 वर्ष पूरे हो गए लेकिन सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है और 180 दिन की प्रक्रिया है। 180 दिन में हमारा 1 से 3 गुना पैसा वापस मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिल गया। भाई जितने भी हैं हमारे पदाधिकारी जो भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, अति शीघ्र हमारे पैसे दिलवाने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोगों का बहुत मेहनत का पैसा है। गरीब आदमी, सब गरीब आदमी हैं। बड़े दुख की बात है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे का बीमारी है, पढ़ाई है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, तो जो फार्म जमा हो रहे हैं उस पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। हमारे प्रगना अधिकारी से ये कहना है कि आज जो है हमने जो ज्ञापन दिया है, काउंटर खुलवा के जो हमारे फार्म जमा हुए हैं अति शीघ्र, वो 5 महीने हो गए पूरे, अति शीघ्र जो है वो हमारे पैसे दिलवाने की।